ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। पटना के रुपसपुर थाना में अपने परिवार की सकुशल सलामती को लेकर पीड़िता ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने रुपसपुर थाना पर आरोप लगाया है कि विगत 13 फरवरी से हमें दोहराया जा रहा है, हम न्याय की गुहार लगाने लगातार आ रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रहा है। इस बाबत पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि हमारी पत्नी और बच्चे गायब हैं, सभी रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन करने के बाद थाना में लिखित आवेदन दिया गया है, बावजूद पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले 13 तारीख से लगातार हम रुपसपुर थाना आ रहे हैं, हमारी वाइफ हमारे एक बेटा जो है गुम हो गया है, इसके लिए अभी तक थाना की तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। थाना प्रभारी कहते हैं कि लगता कहीं भाग गया है, आपसे हमको लेटर दे के गया, इस तरह का अनाप शनाप आप सूचना दे रहे हैं, वो थाना प्रभारी सामने आ नहीं रहे हैं, जब फोन करते हैं फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन काट दे रहे हैं। थाना पर पिछले 4 दिन से लगातार हम दौड़ रहे हैं, इनके पीछे आगे पीछे सुबह दोपहर शाम रात में भी 12 बजे तक बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरे इसके पीछे। कब से गायब है, क्या मामला था आपका बताइए। पिछले 11 फरवरी से जो है हमारी वाइफ और बच्चे जो हैं गायब है, यहाँ से पटना से। क्या कारण था गायब होने का? सर हम उस समय पटना में नहीं थे, पटना से बाहर गए हुए थे, वापस आए तो देखे घर में ताला लगा हुआ है, थाना को सूचना दिए तो सिर्फ आश्वासन, अभी तक कोई कार्रवाई, यहाँ तक इंक्वायरी तक करने नहीं गया थाना। लेकिन एफआईआर हो चुका है? एफआईआर भी नहीं किया गया सर, कल 16 तारीख को रात्रि में हम 11 बजे आए तब जाकर के थाना एफआईआर दर्ज किया है, वो भी रात में 12 बजे तक बैठे, तो थाना में आ रहे अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या कर रहा है? आश्वासन दे रहा है, आश्वासन। आप क्या मांग करते हैं? कल आइए, कल आइए, कल कर देते हैं, कल कर देते हैं, अभी फुर्सत नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है। मांग करते हैं आप? मांग क्या? हमारा जो गुम हो गया उसको खोजा जाए, उसको इंक्वायरी किया जाए, आखिर क्या कहाँ गया, हम तो सबूत भी दे रहे हैं कि फलना फलना चला जाए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा थाना की तरफ से, कोई सहायता नहीं मिल रहा है। ये मात्र थाना से 100 मीटर की दूरी पे ही है, कालीकेत नगर 100 मीटर की दूरी पे ही यहाँ से गायब हुए हैं। उम्र कितना है? बच्चे की उम्र 10 साल है। कभी झगड़ा हुआ था क्या आप लोग? हल्का नोकझोंक हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। क्या करते हैं? बिजनेस लाइन में है। No!